नमस्कार, मैं गौरी, देख रहे हैं आप सी न्यूज भारत। वक्त है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में बात होगी हापुड़ की, जहां अवैध रूप से बेची जा रही है शराब। बात होगी मुरादाबाद की, जहां युवक ने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के फर्जीवाड़े को लेकर जिलाधिकारी और डीआईजी को प्रार्थना पत्र देकर जांच की मांग की। आखिर में चर्चा करेंगे संग्रामपुर की, जहां जंगल में दो बाघ देखे जाने पर वन्य जीव प्रेमियों सहित कर्मचारियों ने खुशी जाहिर की। तमाम खबरों पर फटाफट से कर लेते हैं चर्चा। खबर मध्य प्रदेश के धार से है, जहां ऐतिहासिक भोजशाला में आज एएसआई द्वारा आज 65वें दिन सुबह 8 बजे भोजशाला में सर्वे करने पहुंची। खास बात तो ये रही कि भोजशाला में एएसआई सर्वे का आज 65वां दिन टीम के साथ बक्से में जीपीआर मशीनें भी पहुंची। आपको बता दें कि भोजशाला में 22 मार्च से सर्वे लगातार जारी है। आज जीपीआर मशीनों को चलाने के चार एक्सपर्ट भी भोजशाला पहुंचे हैं। ये मशीन हैदराबाद से आई है। हिंदू पक्षकार लंबे समय से जीपीआर मशीन से सर्वे की मांग कर रहे थे। इंदौर हाईकोर्ट ने 11 मार्च को भोजशाला के वैज्ञानिक सर्वेक्षण का आदेश दिया था। आदेश के अनुसार जीपीआर और जीपीएस तकनीक सहित वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी सहित अन्य आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल करने की बात कही गई थी। निश्चित रूप से एसआई सर्वे में इस्तेमाल जीपीआर मशीन से सर्वे को और गति मिलेगी। आज 40 मजदूर और 18 एएसआई के अधिकारी भोजशाला पहुंचे हैं। 4 जुलाई के पहले एएसआई को इंदौर हाईकोर्ट में रिपोर्ट सौंपनी है। आज सर्वे में शामिल होने पहुंचे हिंदू पक्षकार गोपाल शर्मा ने कहा कि कल सर्वे के 64वें दिन शुक्रवार की नमाज होने से कुछ समय के लिए सर्वे का काम किया गया है। इस दौरान भोजशाला के गर्भगृह के उत्तरी और साथ ही बाहरी दक्षिणी भाग में मिट्टी हटाने का कार्य किया गया। गर्भगृह कुछ साक्ष्य मिले हैं जिस पर चिन्ह बना है। साथ ही उत्तरी भाग में भी दो बड़े अवशेष मिले हैं जिन पर सांस्कृतिक चिन्ह बने हुए हैं, जिन्हें सर्वे टीम द्वारा संरक्षण में ले लिया गया है। साथ ही कहा कि सीपीआर मशीन आ जाने से निश्चित ही काम में गति आएगी। जो साक्ष्य गर्भ में छुपे हुए हैं वो सामने आएंगे और सर्वे को पूर्णता प्रदान करेंगे। आइए जानते हैं इस विषय में हिंदू पक्षकार गोपाल शर्मा का क्या कुछ कहना है। भैया कल 64वां दिन था, कल क्या कुछ रहा भोजशाला में सर्वे के दौरान? कल 64वें दिन था। कल चूँकि शुक्रवार था तो प्रातः 6 बजे से 12 बजे तक का सर्वे का समय था, जिसमें गर्भगृह में उत्तरी भाग में और बिल्डिंग के दक्षिण भाग में मिट्टी हटाने का कार्य चला। गर्भगृह में एक साक्ष्य, एक ऐसा अवशेष प्राप्त हुआ था जिसमें कई ऐसे चिन्ह बने हुए थे, और उत्तरी भाग में दो टुकड़े पत्थर के प्राप्त हुए थे खंभों के, जिसमें सांस्कृतिक चिन्ह बने हुए थे जिन्हें सर्वे टीम ने अपने उसमें लिया। अच्छा, आज 65वां दिन है और आज अधिकारी भी ज़्यादा, मजदूर भी ज़्यादा और एक नई मशीन जीपीआर पहुंची। हाँ, काफ़ी समय से उसका इंतजार था। जैसे आपने बताया अभी कि मशीन आई है, तो निश्चित ही अब काम में गति आएगी। और जो साक्ष्य अभी गर्भ में छुपे हुए हैं, इस मशीन से उनका पता लगेगा और निश्चित ही वो सामने आएंगे अब और सर्वे का को पूर्णता को प्रदान करेंगे। धार से सी न्यूज संवाददाता प्रकाश जोशी की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ के थाना देहात क्षेत्र के ततारपुर इंडस्ट्रियल एरिया और किठौर रोड पर स्थित गांव टियाला में अवैध रूप से शराब बेची जा रही है। दिन निकलते ही अवैध शराब बिकनी शुरू हो जाती है। ऐसे में आबकारी विभाग की नीति पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। क्षेत्र का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि दुकानदार अवैध रूप से शराब बेच रहे हैं। वीडियो वायरल होने पर जिला आबकारी अधिकारी प्रकाश सिंह ने कहा कि अवैध रूप से बिक रही शराब के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, इसके लिए अभियान भी चलाया जाएगा। आपको बता दें कि जनपद हापुड़ के विभिन्न क्षेत्रों में नियमों के विपरीत शराब बिक रही है। तय समय से पहले शराब के बिकते हुए वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। इसके बाद विभाग के ऊपर कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। जिला आबकारी अधिकारी ने इंस्पेक्टर को मामले में कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। आइए जानते हैं इस विषय में जिला आबकारी अधिकारी प्रकाश सिंह का क्या कुछ कहना है। सर, जनपद हापुड़ के ततारपुर इंडस्ट्रियल एरिया में और टियाला में कई जगह शराब बिकती हुई नज़र आई है, इसमें आपकी क्या कार्रवाई की जाएगी? जो हमें सूचना मिली है उसमें हमने इंस्पेक्टर साहब को कहा था, जो वीडियो में दिखाई दे रहा है दुकान के बाहर का है। हमने इंस्पेक्टर साहब से सुबह मतलब 10 बजे के पहले इन दुकानों की चेकिंग करने का निर्देश दिया है। उस समय अगर कुछ भी पाया जाता उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। तो सर, लगातार जैसे आप चेतावनी देते हैं, आप कार्रवाई भी करते हैं, उसके बाद भी 2-4 दिन बाद फिर चालू हो जाती है बिकनी, इसमें इंस्पेक्टर साहब को सख्त निर्देश दे दिया गया है, उसके बाद अगर बंद नहीं होता फिर दुकानों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर, कभी कभी ऐसा होता है कि इंस्पेक्टर साहब का जो निरीक्षक है उनका नंबर CUG बंद रहता है,
जहाँ तक सीयूजी की बात है, नेटवर्क कार्ड हो सकता है सीयूजी नहीं मिल रहा हो यहाँ, क्योंकि बेसला की समस्या है, हमारा सीयूजी तो यही नहीं मिलता है, ऑफिस में बैठे बैठे सीयूजी नहीं मिलता है। तो काफ़ी समय से नहीं मिल रहा है सर उनका नंबर? नहीं, पीछे समस्या थी उसको दूर करा दिया गया, अब तो मिल रहा है। हापुड़ से सी न्यूज़ संवाददाता सुनील कुमार की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश जनपद मुरादाबाद के भोजपुर थाना क्षेत्र के गांव पीपलसाना निवासी तहसीन आलम पुत्र मोहम्मद रफी ने डीआईजी व जिलाधिकारी को मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के फर्जी बाड़े का कुछ दिन पहले एक प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया था कि उसकी पत्नी अमरीन जहां पुत्री शकील ने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में 25 नवंबर 2023 को मोहम्मद आलम पुत्र रईस के साथ मिलकर फर्जी तरीके से सामूहिक विवाह में शामिल होकर मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह से मिलने वाले योगदान की धनराशि को हड़प लिया। युवक ने पत्र में ये भी कहा कि 25 नवंबर 2023 को वो परवेल नई मुंबई में था। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह स्थल सर्किट हाउस के पीछे मैदान में वो पत्नी के साथ शामिल नहीं हुआ था। शिकायती पत्र में युवक ने यह भी आरोप लगाया है कि अमरीन और मोहम्मद आलम विवाह योजना में मौजूद रहे, दोनों के हस्ताक्षर इन फोटो की जांच कर दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। अपर नगर मजिस्ट्रेट द्वितीय ने दोनों पक्षों को जिला अधिकारी के आदेश के अनुसार बुलाया तथा लड़की पक्ष ने कचहरी के बाहर ही युवक को धमकी दे डाली, जिससे कि मेरा परिवार सदमे में है। तो उसमें क्या वो झूठा है मुकदमा या सही है? झूठा मुकदमा है। झूठा जी। आप पीपलसाना गांव में ही रहती हैं? पड़ोस में रहती हैं। तहसील पड़ोस में रहते हैं। कभी लड़की को देखा यहाँ आता हुआ? नहीं, कभी नहीं आई। नहीं आती। कितने समय हो गए शादी को? मुंबई में कम से कम 2 साल हो गए। 2 साल हो गए। अच्छा, किस बात को लेकर इनके अब विवाद हुआ? इनके हुआ कि मतलब पैसे मांगते हैं लड़के वाले। अच्छा, वही आए दिन खर्चे के लिए पैसे मांगती है वो। अच्छा, अच्छा, पैसे दे दिया उन्होंने। अच्छा, सुनने में आया उस लड़की ने दूसरा भी निकाह कर लिया? दूसरा निकाह करा मेरे भैया से। मेरे भैया से? तो ये बात सही है? सही है। साथ में वो भी था। अच्छा, समोती से उनसे दहेज लेकर आए उनको। मेरा नाम है और आज जो आप सीजीएम कोर्ट में आए थे, क्या पूरा मामला? सर, सीजीएम सर ने मेरे को आज बुलाया था, जो फर्जीवाड़े में मैंने जो प्रार्थना पत्र दिया था डीएम साहब को, तो सीजीएम साहब को लिख दिया था, तो आज उन्होंने बुलाया है मुझे। तो यहाँ पर जब मैं आया तो उसकी जांच करने की प्रक्रिया चल रही है, तो जांच की, जांच के बाद में दोनों पक्षों को बिठाया हमें, बिठाने के बाद में दूसरा पक्ष कौन? अमरीन। कौन है अमरीन? मेरी वाइफ थी अमरीन, जो मेरी वाइफ है वो, उनके फादर सब लोग आए थे ACM कोर्ट में। तो जब वहाँ बिठाने के बाद में बातचीत करी तो उन्होंने बहुत समझाया, नहीं माने और बहुत ही बदतमीजी कर रहे थे वो लोग, काफ़ी बदतमीजी कर रहे थे सर के सामने भी, काफ़ी बदतमीजी करी। और उनके साथ में एक लड़की नहीं आई थी और उन्होंने प्रयास मुझे मानने का काफ़ी किया, कोर्ट का थोड़ा अंदर भी बदतमीजी करी, फिर बाहर आके भी बहुत प्रयास किया, धमकी भी दी मानने की, और आए जाए धमकी देते रहते हैं, जबकि लड़की मेरे घर आज तक नहीं आई है और मेरे पर झूठे मुकदमे का आरोप लगाई जा रही है, अभी भी आरोप लगा रही है, जबकि मैं समूह विवाह योजना में शामिल नहीं हुआ, अभी भी आरोप लगा रही है। सामूहिक विवाह में कौन शामिल हुआ था? सर, उसमें उनका रिश्तेदार था कोई, जो उसमें सामूहिक विवाह में शामिल हुआ था, मैं वहाँ पर स्थापित नहीं था, मैं मुंबई में था 25 तारीख को, पूरे नवंबर मुंबई में रहा हूँ मैं। अच्छा, वो जो कार्ड दिखाया, वो कार्ड का क्या मामला है उसका? सर, वो कार्ड भी फर्जी है, फर्जी कार्ड है, उसमें ना मेरे साइन है, ना हस्ताक्षर है, ना मोहर है उस पर साइन पर। ये फर्जी जो काम कराता है सामूहिक विवाह का, ये कराता कौन है आपके? ये साहब इनका ही रिश्तेदार है रहीस। अच्छा। हाँ, और इन्होंने धमकी दी है मानने की, इनने भी, इनके साथ 2-4 बदमाश आए थे कल। अच्छा। कहाँ के रहने वाले हैं ये रहीस? ये पीपलसाने के रहने वाले हैं। तो ये इस तरह की योजना का लाभ दिलाते हैं लोगों को? ये लाभ लाते हैं, बहुत फ्रॉड करते हैं, बहुतों के साथ फ्रॉड करते हैं ये लोग रहीस। जो धमकी दी आपको, इसका आपने कोई शिकायत की है? जी सर, शिकायत पत्र कप्तान साहब को, DM साहब को दिया है मैंने, इसमें सबके नाम लिखे हैं जिन जिन्होंने धमकी दी है, इन लोगों से मुझे जान का खतरा है मेरे परिवार को, और लड़की एक नहीं जो आई थी उसने ये कहा है
तेरे ऊपर 76 का केस लगवाऊंगी, आज तो तू बच गया। क्या चाहते हैं? मैं यही चाहता हूँ इस पर निष्पक्ष जांच करके कार्रवाई हो, और कोई भी मेरे घर पर वारदात होती है, किसी की अनहोनी होती है, तो इसके जिम्मेदार ये लोग रहेंगे जिन लोगों के मैंने उसमें प्रार्थना पत्र में नाम दिए हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? दीपक साने। आपके शोहर का नाम क्या? कहीं वो भी यहीं रहते हैं? हाँ। अच्छा, एक ये तहसीन का मामला चल रहा है शादी को लेकर के, ये मामला सच है या झूठ है? क्या सच है इसमें? क्या वो जो लड़की इस तहसील की घरवाली इनके घर आई है या नहीं आई है? अभी तक नहीं है। शादी को कितना समय हो गया होगा? लगभग 2 साल हो गए। जैसे आप रहते हैं तो आपने कभी आती जाती सड़क पर कहीं देखा उसको? अरे जिस तरह से इनके खिलाफ मुकदमे लिखवा दिए गए हैं, तो क्या वो मुकदमे सही हैं इनके खिलाफ या वो झूठे हैं? झूठे हैं वो झूठे मुकदमे हैं। जैसे निकाह हुआ था, तो प्राय से निकाह हुआ था, निकाह के बाद में आप दुल्हन देखने आएंगे? मुरादाबाद से सी न्यूज संवाददाता जाबिर हुसैन की रिपोर्ट। खबर संभल से, जहां हयात नगर थाना क्षेत्र के ग्राम रसूलपुर निवासी इरफान पुत्र अमदाज ने थाने पहुंचकर एक शिकायती पत्र हबीब पुत्र नातन के नाम देकर कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि वो 4 माह से उसके यहां अपनी मजदूरी पर ट्रैक्टर चला रहा है, जिसकी तय मजदूरी के हिसाब से पैसे नहीं दे रहा है और उसकी रकम बढ़ते बढ़ते 1,15,000 हो गई है। इसी के अलावा उसने अपनी गारंटी पर करण पाल सेन पुत्र गंगा शाह से 32,000 का बारदाना भी दिलाया था, जिसकी कीमत वो अदा नहीं कर पाया। पीड़ित बार बार घर के चक्कर काट रहा है, जिससे उसे हर बार नई बात सुनने को मिलती है। आइए जानते हैं इस विषय में रसूलपुर निवासी इरफान मलिक का क्या कुछ कहना है। जी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद इरफान। कहाँ के निवासी? रसूलपुर नगरा। आज आप थाने पर आए, क्या मामला है? जी, फिर क्या हुआ? कितने रुपए? 1,15,000 मेरे हैं, मेरे ट्रैक्टर चलाया था मैंने, और 25,000 रुपये बाजाने वाले थे, मेरी जिम्मेदारी पर बाजाना होगा लिया था उसके लिए। जी, अब आप संभल पुलिस से क्या चाहते हैं? ये साहब, न्याय चाहता हूँ, मेरे पैसे मिलने चाहिए। वो घंटी देता मुझे, मैं गाँव घर पर जाता हूँ तो मान लो थोड़ी देर बाद था। संभल से सी न्यूज संवाददाता जगतपाल सिंह की रिपोर्ट। खबर महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले से है, जहां संग्रामपुर में पशु प्रेमियों और वन्य जीव अधिकारियों कर्मचारियों ने चंद्रमा की रोशनी में अभयारण्य में 2 बाघों सहित 331 वन्य जीवों को रिकॉर्ड किया। मेलघाट बाघ परियोजना के तहत सोनाला वन रेंज कार्यालय के अंतर्गत अम्बाबरवा अभयारण्य में बुद्ध पूर्णिमा के दिन प्रकृति अनुभव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के तहत चांद की तेज रोशनी में जंगली जानवरों की गिनती की जाती थी। इस समय अम्बाबरवा में अभयारण्य में कुल 5 सर्किल हैं और 11 बीटों के माध्यम से जानवरों की गिनती की गई है। इसमें 331 अलग अलग तरह के जंगली जानवर नजर आए। इसमें 331 अलग अलग तरीके के, जिसमें इस दौरान 19 वन रक्षक, 49 वन मजदूर, 5 वन रक्षक, 5 स्पेशल टाइगर फोर्स के जवान ड्यूटी पर थे, जिसमें चिखलदरा प्रशिक्षण केंद्र के 15 वन रक्षकों ने प्रकृति अनुभव कार्यक्रम में भाग लिया। इस वर्ष वन्य जीव प्रेमियों को अभयारण्य में प्रकृति अनुभव कार्यक्रम में प्रवेश पाकर खुशी हुई। इस वर्ष 31 जल निकायों पर बनाए गए 31 प्लेटफॉर्मों के माध्यम से जानवरों को देखा और रिकॉर्ड किया गया। इस समय बने रिकॉर्ड के अनुसार बाघ 2, भालू 10, नीलगाय 26, सांभर 29, भेड़ 11, बकरी 12, जंगली सुअर 37, लंगूर 1, बंदर 111, भैंसा 2, जंगली मुर्गी 5, मोर 74, खरगोश 4, वाइल्ड डॉग 2, मुगस 1, चौसिंगा 4, कुल 331 जानवर आए। महाराष्ट्र बुलढाणा से सी न्यूज संवाददाता संदीप सावजी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।